नर्मदा नदी के तट पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। एक तरफ स्टैचू को देश के शान माना जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन्हीं लोगों ने इस बार इस प्रतिमा की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे जुड़ी हुई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSUs ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत तकरीबन 2,500 करोड़ की फंडिंग की है, जिसको लेकर खलबली मच गई है। इसके बाद गुजरात सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, जो अब तक कह रही थी कि उसने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में सबसे ज्यादा फंड दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या गुजरात सरकार झूठ बोल रही है, और अगर हाँ तो इसके पीछे की वजह क्या है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने पड़ताल की, जिसमें हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई, जिसने सब कुछ साफ कर दिया। तो जानते हैं कि इन दावों में कितना दम है। दरअसल डेविड डिकोस्टा नाम के शख्स ने अपनी फेसबुक पेज से एक पोस्ट वायरल किया, जिसके जरिए बताया गया कि PSU ने मूर्ति के निर्माण पर 2525 करोड़ रुपए फंड दिए हैं, जिसमें ज्यादातर हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का है। दावों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मूर्ति के लिए 900 करोड़ रुपए दिए, ONGC ने 500 करोड़, BPCL, OIC और गेल ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं गुजरात मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी GMCL ने 100 करोड़ रुपए फंड में दिए हैं। साथ ही पोस्ट में तंज भरे लहजे में कहा गया है, जब भारत तेल की कीमतें कम करने के लिए एक तरफ से चीख रहा है, ऐसे में देखिए कि कैसे हमारे तेल सेक्टर के PSUs किस तरह अपने पैसे को कैसे उड़ा रहा है। इसके बाद हमने अलग अलग PSUs की सालाना रिपोर्ट की पड़ताल की, जिसमें सारे के सारे दावों की हवा निकल गई। पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आंकड़ों को कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जबकि हकीकत यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 900 करोड़ नहीं बल्कि 21,83,00,000 रुपए फंड के लिए दिए। वहीं ONGC ने 500 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए ही दिए, जबकि BPCL, OIC और गेल ने 250 करोड़ रुपए देने का दावा किया जा रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि BPCL ने 45 करोड़, OIC ने 25 करोड़ और गेल ने 25 करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा गुजरात मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी GMLCL ने 100 करोड़ नहीं बल्कि 11 करोड़ रुपए ही फंड में दिए हैं। ऐसे में हमारी पड़ताल में स्टैचू ऑफ यूनिटी के फंड में तेल कंपनियों की ओर करीब 2,500 करोड़ रुपए देने का दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है।